हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन और टैसल्ड कैप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली होता क्या है कि अगर जैसे कोई हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज है, उसमें डिफरेंट बैंड्स होती हैं जो कि हाईली एक दूसरे से को रिलेटेड होती हैं और एक तरह की इंफॉर्मेशन उसमें कंटेंट होती है। जैसे कि मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज की बैंड 2 और 3 ग्रीन और रेड की बात करें तो इसका जो विजुअल अपीयरेंस रहता है दोनों का लगभग सेम ही होता है, और यहाँ तक कि जो रिफ्लेक्टेंस होता है कुछ फीचर्स का वो भी दोनों के लिए सेम होता है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि ये जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज की बैंड्स होती है, ओरिजिनल बैंड्स होती है, उसको कंप्रेस कर देता है, डेटा की डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर देता है, और उसके ओरिजिनल बैंड्स को कंप्रेस करके कुछ फ्यूअर बैंड्स में डेटा को कंप्रेस कर देता है, और उन फ्यूअर बैंड्स में उन सारे बैंड्स जो मल्टी स्पेक्ट्रल के ओरिजिनल बैंड्स में जो इन्फॉर्मेशन रहती है, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी नंबर ऑफ बैंड्स को कम करते हुए ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखने का काम करता है, ओरिजिनल बैंड्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी। तो जो नई बैंड बन के आती है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं। और इसमें यही होता क्या है, स्टैटिस्टिकली जो है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है, और ओरिजिनल बैंड जो है उसको नंबर ऑफ बैंड जो है वो कम हो जाती है नए कंपोनेंट में। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो लैंडसेट टीएम का अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे तो लैंडसेट टीएम पे अगर हम लोग पीसीटी जो है परफॉर्म करें तो इसके अंदर 7 बैंड्स होती हैं, और ये 7 बैंड्स का डेटा कंप्रेस होके इंफॉर्मेशन उसकी सारी सेफ रहेगी और ये 3 बैंड्स में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि इसका 90% ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो इन 3 बैंड्स में स्टोर किया जा सकता है आराम से प्रिंसिपल कंपोनेंट के थ्रू। और ये प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन जिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू परफॉर्म करता है, उस टेक्निक को बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। यही फैक्टर एनालिसिस जो है इसी टेक्निक का यूज करके ओरिजिनल बैंड को जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है न्यू बैंड्स में, न्यू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में। इसके बाद प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हम इमेज स्पेस और उसके स्कैटर प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो स्कैटर प्लॉट कैसे बनता है, जैसे कि 2 बैंड्स के बीच में अगर स्कैटर प्लॉट परफॉर्म करना है तो एक बैंड की वैल्यू दूसरे बैंड के रेफरेंस में प्रेजेंट की जाती है इस ग्राफ में। जैसे कि पहले सेल को जो है P1 हम मान रहे हैं दोनों ही इमेजेस के लिए। स्कैटर प्लॉट में यहाँ पे 2 बैंड्स रिप्रेजेंट की गई हैं, एक्सिस में बैंड 1 और वाई एक्सिस में बैंड 2। अब जैसे P1 की बात करें तो P1 पे क्या है, बैंड 1 5th और बैंड 2 जो है 2nd। तो बैंड 1 में 1, 2, 3, 4, 5 5th नंबर पे P1 और 2nd नंबर पे बैंड 2। तो ऐसे जो है स्कैटर प्लॉट का रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये एक फाइनल रिप्रेजेंटेशन एक 2 बैंड स्कैटर प्लॉट की। और इसमें क्या किया जाता है, रिलेशनशिप शो किया जाता है डेटा फाइल वैल्यू का 2 बैंड के बीच में। और अगर दोनों ही बैंड में जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो डेटा का, तो जो रिजल्ट आता है वो एलिप्सॉइडल शेप में आता है जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। और अगर मल्टी डायमेंशनल इमेज है, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल इमेज है, तो 2D में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एलिप्स बन के आएगा, अगर हम 3D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एलिप्सॉइडल बन के आएगा, और मोर देन 3D में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो हाइपर एलिप्सॉइडल का फॉर्मेशन होता है। तो अब स्कैटर प्लॉट के ही थ्रू हम प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। तो जब भी ओरिजिनल डेटा का नए प्रिंसिपल कंपोनेंट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशियंट जो है वो एक लीनियर फैशन में ही ओरिजिनल पिक्सल वैल्यू से लिया जाता है, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ओरिजिनल डेटा सेट के कोवेरियंस मैट्रिक्स से डिराइव होता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिस्क्राइब करता है लेंथ, जिसको आइजन वैल्यू बोलते हैं, और डायरेक्शन, जिसको आइजन वेक्टर बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। तो इस एलिप्स का जो लॉन्गेस्ट एक्सिस होता है, ये लॉन्गेस्ट एक्सिस जो होता है इसको प्रिंसिपल कंपोनेंट, जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो कहते हैं, और इसके परपेंडिकुलर ये जो 90° एंगल पे दूसरा जो एक्सिस बनता है ये माइनर वाला एक्सिस होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एक्सिस होता है वहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 होता है। और जो PC1 होता है इसको फर्स्ट आइजन वेक्टर बोलते हैं, और ये लेंथ ऑफ फर्स्ट आइजन वैल्यू जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये PC1 जो है डायरेक्शन और लेंथ को रिप्रेजेंट करता है इस एलिप्स के थ्रू। और ये PC2 जो होता है, ये PC1 में जो कुछ वैल्यूज छूट गए रहते हैं, जो माइनर एक्सिस वाले रहते हैं, उसको PC2 में रिप्रेजेंट किया जाता है। और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो है रेंज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि जो फर्स्ट आइजन वैल्यू फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमेशा जो होती है ग्रेटर देन होती है द रेंजेस ऑफ इनपुट बैंड।
जो इनपुट बैंड की रेंज होती है उससे ग्रेटर देन होती है। मतलब यही कि ये जो हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये हमेशा लार्जर होते हैं इसके ये दोनों लेग से। तो यहाँ पे ये फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट को रेंज को रिप्रेजेंट किया गया है जो कि लार्जर होती है इनपुट बैंड के। तो ये तो प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफ के थ्रू। अगर इसके इक्वेशन की बात करें जिसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बिहाइंड द मॉडल जो इक्वेशन वर्क करता है, तो ओरिजिनल डेटा फाइल वैल्यू को प्रिंसिपल कंपोनेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ किया जाता है, जिसमें ई जो है, ई क्या है, द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट। प्रिंसिपल कंपोनेंट का कौन सा नंबर है, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, सेकंड, या फिर जो भी सो ऑन वैल्यूज हैं वो आएंगी। पी का मतलब क्या हो गया, जो आउटपुट जनरेट हो गया, द आउटपुट प्रिंसिपल कंपोनेंट वैल्यू फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट बैंड ई, बैंड वन या बैंड टू के लिए जो आउटपुट प्रिंसिपल कंपोनेंट वैल्यू है उसको पी से रिप्रेजेंट किया गया है। और के यहाँ पे है अ पर्टिकुलर इनपुट बैंड, जिस इनपुट बैंड का प्रिंसिपल कंपोनेंट कन्वर्जन कर रहा है, के यहाँ पे आ जाएगा। और एन क्या होगी, जैसे कोई मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ बैंड्स हैं वो आ जाएंगे एन में। और डी के क्या होगा, डी के होगा एन इनपुट डेटा फाइल वैल्यू इन बैंड के, बैंड के जो इनपुट डेटा फाइल वैल्यू है वो डी के में चली जाएगी। और ई जो है ये आइजन वेक्टर मैट्रिक्स है, जैसे कि अगर यहाँ पे ई के की बात की गई है तो द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एट रो के, कॉलम ई में जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का, वो वैल्यू जो है यहाँ पे आएगी ई के ई में। और ये प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज जो है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन बैक ट्रांसफॉर्मेशन भी किया जा सकता है वापस से स्पेशल डोमेन में, जो कि डी कोरिलेशन स्ट्रेचिंग मेथड से जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन को वापस ट्रांसफॉर्म बैक किया जा सकता है स्पेशल डोमेन में। और ये प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो ज़्यादातर अरिड रीजन जो होता है, सेमी अरिड रीजन, जहाँ पे सफिशियंट वाटर या रेनफॉल एरिया नहीं होते हैं, उस एरिया के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वहाँ पे एनालिसिस करनी आपको, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है हर एक बैंड का रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे बैंड 1, 2, 3, 4, 5 को रिप्रेजेंट किया गया, और ये PC1 प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 बैंड 1 का, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2, 3, 4, 5, हर एक बैंड का प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ इमेज फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके बाद अगले मेथड जो है हम टैसल्ड कैप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो टैसल्ड कैप ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ये क्रॉप ग्रोथ के एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एक ग्रोइंग क्रॉप जो होती है वो एक बेयर सॉइल से स्टार्ट होती है, फिर ग्रीन वेजिटेशन में जाता है, फिर जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो ये येलो में टर्न होने लगता है। तो ये जो ग्रोइंग साइकिल होता है इसी को टैसल्ड कैप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो TCT जो है ये एक फिक्स्ड फीचर के लिए मेथड है, जैसे कि क्रॉप के लिए ही ये मेथड है, तो ये एक फिक्स्ड फीचर स्पेस स्पेक्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक यूज किया जाता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और ये TCT जो होता है ये डिपेंडेंट ऑन रहता है सेंसर पे, ये सेंसर पे डिपेंडेंट रहता है, तो इसीलिए इनके लिए जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाए गए हैं। तो कॉथ एंड थॉमस इन्होंने डिफाइन किया है इस मेथड के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि लैंडसेट MSS डेटा के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। यहाँ पे लैंडसेट MSS डेटा है, इसके लिए इन्होंने 4 कंपोनेंट डिफाइन किए हैं, जो कि रेडनेस जो कि सॉइल से रिलेटेड होती है, ग्रीनीनेस जो कि वेजिटेशन से रिलेटेड होती है, और येलोनेस मैच्योरिटी स्टेज पे जब आ जाता है क्रॉप, और एन जो है ये नॉन सच के लिए यूज की है। तो ये जो ये मैट्रिक्स है ये उन्होंने दिया था, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो कि रेडनेस, ग्रीननेस, येलोनेस और नॉन सच के लिए डिफाइन की गई थी। तो यहाँ पे जो है 4 बैंड का ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट किया गया फीचर स्पेस में, तो इससे क्या होगी 4 एक्सेस का जनरेशन होगा। और टैसल्ड कैप को जो है हम लोग 3 एक्सेस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए जो चौथा एक्सेस है उसको नॉन सच कहा गया है, क्योंकि ये कैटेगराइज्ड नहीं है। यहाँ पे तो लैंडसेट MSS के लिए बात की गई, इसके बाद लैंडसेट TM जो है, लैंडसेट TM में देखा गया कि इसमें जो है हेज और नॉइस का भी इंडिकेशन होता है, इसीलिए कुछ और जो साइंटिस्ट हैं जैसे कि लेटर, क्रिस्ट, सिकोन और कॉथ, इन्होंने एक डेवलप किया एक नया ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जो कि लैंडसेट TM के लिए था। उसके बाद उन्होंने नई रेडनेस, ग्रीननेस, वेटनेस
और जो नॉन सच था उसको एज अ हेज के लिए डिफाइन किया, जिसकी वैल्यूज यहाँ दी गई हैं, जैसे कि रेडनेस के लिए लैंडसर टीएम में 7 बैंड है, तो हर एक बैंड के लिए रेडनेस को डिराइव करने के लिए अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, उनके साथ हर एक बैंड का मल्टीप्लीकेशन और आफ्टर जो भी एडिशन है उसको परफॉर्म करके हम रेडनेस और सेम वे में ग्रीननेस, वेटनेस और हेज को जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो मेनली जो है टेसल्ड कैप ट्रांसफॉर्मेशन ये क्रॉप ग्रोथ के एनालिसिस के लिए बनाई गई थी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, जिसमें हमने बात की प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन और टेसल्ड कैप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो कि इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का ही कुछ इंपॉर्टेंट मेथड थे। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।